जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वैंग डॉन्ग क्लास प्रेसिडेंट और युहाओ क्लास मॉनिटर बन गया है, और इस बात पर हुआंग डाई हुआ बिन जूलू को एतराज था और वो ऑब्जेक्शन उठाने लगे थे, इसलिए टीचर स्ट्रिक्ट मोड में आकर उन चारों को अपनी क्लास से एक्सपेल कर देती है। इस बात पर भी हुआ बिन ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब टीचर्स वो अपनी स्पिरिट रिंग्स निकाल लेती है और डर के मारे वो चारों क्लास से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जूलू हुआ बिन से बात करती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि हमें ना चाहते हुए भी रूल्स तो मानने ही होंगे, लेकिन इस ह्यूमिलेशन का बदला मैं युहाओ से जरूर लूंगा। वैंग डॉन्ग भी अब बात करते हुए युहाओ से कहता है कि टीचर्स वो काफी स्ट्रिक्ट हैं अपने रूल्स को लेकर और स्ट्रांग भी हैं। ज़ियाओ ज़ियाओ बहुत खुश है क्योंकि उसके दोनों दोस्त ही क्लास में कुछ बन गए हैं। अब डीन टीचर ज़ियाओ को बुलाता है और उससे थोड़ा रूड होकर पूछता है कि तुमने उन चारों बच्चों को बाहर क्यों निकाला। सिर्फ उन चार बच्चों की वजह से तुमने बहुत ज्यादा रायता फैला दिया है। हम तो तुम्हें इन कोर्ट में बुलाकर सीनियर प्रोफेसर बनाने की सोच रहे थे, लेकिन तुम जो ऐसी हरकतें करती हो, हमेशा सिर्फ बच्चों को पढ़ाने वाली प्रोफेसर ही बन के रह जाती हो। टीचर्स वो भी अब भी कॉन्फिडेंस में कहती है कि वो ऐसी ही है, और अगर उसे रखना हो तो रख सकते हो, वरना मैं खुद रिजाइन देने को तैयार हूँ। ये सुनकर डीन भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि टीचर्स वो कितनी अच्छी टीचर है, इसलिए वो उसे एक आखिर चांस देते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे टीचिंग मेथड्स देखूंगा, क्या तुम अपनी क्लास से 5 बच्चे जो इन कोर्ट में जाने के लिए क्वालिफाई करे ऐसे दे सकती हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हें इस एकेडमी से बाहर निकाल दूंगा। टीचर्स वो उसे ये कहकर निकल जाती है कि वो 5 या 5 से ज्यादा ही बच्चे ट्रेन करके देगी जो इन कोर्ट में जाने के लायक होंगे, उससे कम नहीं। अब फिर दूसरी तरफ युहाओ मास्टर फैन्यू के पास उनके चैम्बर में जाता है, और वहाँ मास्टर फैन्यू उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि कैसे युहाओ ने वो फैंग को हरा दिया था। वो कायतू को आज अकेले प्रैक्टिस करने को कहते हैं और फिर युहाओ को अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे स्पिरिचुअल गाइड टूल्स के बारे में और ज्यादा बताते हैं। युहाओ उनसे कहता है कि स्पिरिचुअल गाइड टूल्स एक तरह की टूल्स हैं जो स्पिरिट पावर से एक्टिवेट होती हैं। ये कोई वेपन भी हो सकता है, और कोई इक्विपमेंट भी जो ह्यूमन लाइफ को आसान करे। मास्टर फैन्यू बताते हैं कि स्पिरिचुअल गाइड स्पेशलाइजेशन स्टडी पर फोकस ज्यादा करती है। वेपन टाइप स्पिरिट और गाइडेंस टूल, जिसको मिलिट्री स्पिरिट गाइडिंग टूल भी कहते हैं, उसका यूज करके आर्मी की एक शक्तिशाली फोर्स क्रिएट की जा सकती है। अब जब भी कहीं युद्ध होता है तो जिसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस टूल्स होंगे उनके जीतने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। वो युहाओ को एक वेपन देते हैं और उसे यूज करने को कहते हैं, और फिर बातों बातों में उसे जियोपॉलिटिक्स समझाते हैं। आज से 4000 साल पहले सिर्फ रियो एम्पायर ही स्पिरिट गाइड टूल्स का यूज करता था। रियो एम्पायर को एक तरह से आप ब्रिटिशर्स की तरह समझ लो, जिनके पास एडवांस टेक्निक्स थी और वो मेन धोलो कॉन्टिनेंट पर हमला कर रहे थे। उन्होंने दोनों कॉन्टिनेंट के तीनों एलाइट पार्ट्स को एक साथ हरा दिया था और पूरी तरह खत्म ही कर दिया था। उनके टूल्स टैंक सेट के हिडन वेपन से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। पहले जो टैंक सेट अपनी प्रॉस्पेरिटी को बनाए रखता था, वो अब कमजोर हो गया और कंगाली की कगार पर आ गया। लेकिन लास्ट में श्रेक एकेडमी के पावरफुल एल्डर्स की वजह से हमने फिर से जब युद्ध किया तो हमने रियो एम्पायर को हरा दिया, और बदले में रियो एम्पायर ने हमसे उनके स्पिरिट गाइडिंग टूल्स की टेक्नोलॉजी को शेयर किया। श्रेक एकेडमी ने स्पिरिचुअल गाइडेंस डेवलपमेंट का पूरा डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, और उन्होंने इन 4000 सालों में बहुत तरक्की की, और वो तरक्की आज तुम यहाँ देख ही पा रहे हो। हालांकि अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी रियो एम्पायर से काफी कमजोर है। स्पिरिट गाइडिंग टूल्स में अगर कुछ रेयर मटेरियल्स को मिलाया जाए तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसका यूज करके फिर हाई लेवल स्पिरिट गाइड मास्टर को भी घायल किया जा सकता है। जो लोग नॉर्मल कल्टीवेशन को छोड़कर स्पिरिट गाइडिंग टूल्स के रिसर्च में आते हैं उन्हें मास्टर स्पिरिट गाइड कहा जाता है। मास्टर स्पिरिट गाइड की भी कई लेवल्स होती हैं, और ये लेवल इस पर डिसाइड होती है कि किस लेवल का स्पिरिट गाइड टूल चला पा रहा है। पहले होते हैं स्पिरिचुअल गाइड मास्टर बैच 1 और 2, जिनकी लेवल 1 से 3 तक होती है। फिर होते हैं 4-5 बैच के लोग, जिनकी लेवल 4 से 6 होती है। फिर 7-8 बैच वाले मास्टर होते हैं, जिनके लेवल 7-9 होती है, और फिर हाईएस्ट लेवल वाले 10 पर होते हैं। मास्टर वैन्यू लेवल 8 पर है। अब वो फिर उसे एक असली स्पिरिट गाइडिंग वेपन चलाकर दिखाते हैं, और वो टूल एक गन की तरह असेंबल होता है और फिर उनके स्पिरिचुअल पावर को यूज करके फायर करता है। इसका नाम आर्म कैनन है, और इसका यूज करने के लिए 2 स्पिरिट रिंग्स का यूज होता है। वो जब इसका यूज करते हैं तो युहाओ को टैंक सेट के हिडन वेपन्स की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी इससे सिमिलर ही है। ह्यूज क्रॉसबो और आर्म कैनन उसे सेम सा लगता है। मास्टर वैन्यू उसे बताते हैं कि ये वेपन उसके स्पिरिचुअल पावर को डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में चेंज करता है, और फिर वो उसे अंदर की इंजीनियरिंग समझाते हैं कि इन्हें स्पेशल मेटल्स के साथ भी मर्ज किया जाता है, जिससे ये परफेक्ट बनाए जा सकते हैं। अलग अलग एट्रीब्यूट्स वाले लोगों के लिए अलग अलग वेपन्स होते हैं।
वो फिर उसे हिडन वेपन के कोर को दिखाते हैं और कहते हैं कि हीरा अलग अलग फॉर्म्स में क्रिएट होता है और इसको बनाने के लिए स्पिरिट मास्टर्स की जरूरत होती है जो अलग अलग एनर्जी को कॉम्बिनेट करके इसमें कार्विंग्स को दे पाए हैं। हर एक प्रोसेस में स्पिरिट मास्टर की बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगती है और यूहाओ एक टूल वेपन को लेकर रात को अपने दोस्तों के आगे प्रैक्टिस करता है और उसकी पार को देखकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और अब वो कहता है कि अगर वो इनको टैंक सेट के हिडन वेपन्स के साथ मर्ज कर दे तो इनकी पार और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए उसे स्पिरिट टूल्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनना होगा। बीबी भी वहाँ आता है और कहता है कि मैंने भी यही सोचा था पहले, लेकिन मुझे मास्टर फैन्यू के अंडर पढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं तो ऐसा नहीं कर पाया। मास्टर फैन्यू एकेडमी में बहुत जीनियस माने जाते हैं और उनके अंडर तुम जरूर इस गोल को पूरा करोगे। तांग्या भी कहती है कि अब अगर ऐसा हो गया तो तांग सेट को फिर से हम खड़ा कर पाएंगे, इसलिए अब तांग सेट को वापस जिंदा करने की जिम्मेदारी तुम पर है। यूहाओ को समझ नहीं आता कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे संभालेगा, लेकिन फिर भी टैंग शान की मूर्ति के आगे वो प्रण लेता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। अब अगले दिन से वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है और ब्लैकस्मिथ का काम भी सीखता है क्योंकि टूल बनाने में इसका बहुत यूज होगा। वो सुबह टीचर जुओ के अंडर में पढ़ाई और ट्रेनिंग करता है और शाम को मास्टर फैन्यू के पास जाकर स्पिरिट गाइड टूल्स की ट्रेनिंग लेता है। वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है और हर एक तरीके को याद करके उन्हें प्रैक्टिस कर रहा है। वो मास्टर फैन्यू की हर एक बात मानते हुए आगे बढ़ रहा है और हर ट्रेनिंग में वो अपनी माँ को याद करता है, जिससे उसे काफी मोटिवेशन मिलती है। अब ऐसा करते करते उसे 8 महीने बीत जाते हैं और अब आज वो लेवल 2 का स्पिरिट गाइड को क्रिएट करने का चैलेंज करने जा रहा है। काइटू और मास्टर फैन्यू उसे देख रहे हैं। यूहाओ अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करता है, वो काफी प्रोफेशनल वे में ये सब सीख गया था और 8 महीने में ही वो इस लेवल का एक्सपर्ट बन गया है। ये देखकर उसके सीनियर और टीचर हैरान हो जाते हैं और वो फाइनली इस स्कोर को पूरा कंप्लीट कर देता है और वेपन में फिट कर देता है, जिससे वेपन एक्टिवेट हो जाता है। काइटू उसके वेपन को पहनकर तुरंत शूटिंग एरिना में जाता है और वहाँ इसको यूज करता है और ये एकदम परफेक्टली चल रहा होता है और मास्टर फैन्यू उसे कंग्रेचुलेट करते हैं कि वो सिर्फ 8 महीने में ही लेवल 2 मास्टर स्पिरिट गाइड बन गया। सभी लोग उसके लिए क्लैप करने लगते हैं और यूहाओ काफी खुश होता है। अब क्योंकि इनके यहाँ वेकेशंस आने वाले हैं, इसलिए मास्टर फैन्यू पूछता है कि तुम कहाँ जाओगे इन वेकेशंस में, जिस पर यूहाओ बताता है कि मैं हॉस्टल में ही रहूंगा क्योंकि वो एक अनाथ है, वो कहाँ ही जाएगा। जिस पर मास्टर फैन्यू उसे एडवाइस करते हैं कि तुम अपने लेवल को 20 के पार कर लेना क्योंकि तुम कार्विंग्स में तो अच्छे हो, लेकिन सुपीरियर वेपन बनाने के लिए तुम्हें कल्टीवेट करना होगा। जब तुम लेवल 20 पर पहुंच जाओगे तो हम तुम्हें एक स्पिरिट रिंग दे देंगे, जिस पर यूहाओ कहता है कि वो जरूर लेवल 20 पर पहुंचने के लिए हार्ड ट्रेनिंग करेगा और स्पिरिट रिंग उसे चैंपियन बनने की वजह से एकेडमी से ही मिल जाएंगी, इसलिए स्पिरिट रिंग्स के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वेकेशन पे यूहाओ कहीं नहीं जाने का डिसाइड करता है ताकि वो और अच्छे से ट्रेनिंग कर सके। स्काई ड्रीम्स कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी जगह ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसके बारे में वांग टोंग को भी नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।